की वैल्यू बदल रही है नहीं। अगर हम इसको नीचे करते हैं
तो भी ए की वैल्यू नहीं बदल रही है और बी की वैल्यू नहीं बदल रही। इसका ये मतलब है कि इसको ऊपर करिए या नीचे करिए, दोनों केसेस में ए और बी दोनों चेंज नहीं होते, दैट इज ए माइनस बी चेंज नहीं। ये बात समझ में आई? ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, भले ऊपर करें भले नीचे करें, इसलिए a माइनस बी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। अगर a माइनस बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इस पूरे कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं, तो इसलिए नीचे हम लिखेंगे a माइनस बी इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ सेंटर, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ सेंटर, देयरफोर कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम विल नॉट चेंज। इस तरह से इस सिस्टम का कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। सारे टर्म समझ में आ गए? देर आर सो मेनी कैपेसिटर फिटेड इन दिस वे, 20 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। उस कंप्लीट सिस्टम में बैटरी से निकलकर कितना चार्ज लगा, चार्ज स्टोर्ड ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये बताना है। और लास्ट में फाइंड वी अक्रॉस दिस C1, C2, ये C2 एंड C3, इसके अक्रॉस वी, इसके अक्रॉस वी और इसके अक्रॉस, ये तीन का आपको बताना है। तो ये वैसा ही है जैसा हमने पीछे एग्जांपल किया था। क्या तरीका था, याद आया? इसको आप छोटा करते जाएंगे एक एक स्टेप और लास्ट में सिंगल तक लेके आएंगे, उसके बाद फिर वापस बड़ा करते जाएंगे। चलो शुरू करिए, 5 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करिए, फिर मैं बनाता हूँ। चार और ये चार, ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों आपस में ऐड होके एक सिंगल बन सकते हैं। और कोई ऐसा है क्या? अभी और ऐसा नहीं है। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक सिंगल बनाते हैं, बताइए उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। सीरीज में अगर एक जैसे कैपेसिटर हैं, कितने कैपेसिटर हैं, दो, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज C/M, याद आया? तो इसका एक का कैपेसिटर बना और ये कितना हो गया, 2, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, 2 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल डिफरेंस यहां है, यहां से प्लस और यहां से माइनस, ये प्लस बनता है, ये माइनस बनता है, इसके और इसके बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और सबको ऐड करते चला जाना है। ये और ये कंडक्टर है, ये कहां जुड़ा हुआ है, तो आंसर है कि ये यहां जुड़ा हुआ है। देखिए ये वाली प्लेट यहाँ जुड़ी है, पर यहाँ से यहाँ क्या है, कंडक्टर है, इसका मतलब कि ये प्लेट यहाँ भी हम मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। अब देखो इस पॉइंट से
ये प्लेट यहाँ जुड़ी है और ये यहाँ जुड़ा है, तो ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ी हुई हैं और ये वाली प्लेट ये इससे जुड़ी हुई है। तो इस पॉइंट के अक्रॉस देखिए, अगर मैं इसका नाम देता हूँ P और इसका नाम देता हूँ Q, तो P पॉइंट पे ये दोनों प्लेट जुड़ी है और Q पॉइंट पे ये दोनों प्लेट जुड़ी है, तो ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल? सही का समझ आया? ड्राइंग जैसी भी बनी है हमारी शर्त पूरी हो रही है। P और Q के बीच में, P और Q के बीच में ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। और देखिए P Q, मान लो इसको हमने माना M, Q और M के बीच देखिए, Q से एक प्लेट जुड़ी, Q से एक प्लेट जुड़ी और Q से एक प्लेट जुड़ी। तीनों कैपेसिटर की एक प्लेट किससे जुड़ी हुई है? Q से। इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट M, दूसरी प्लेट M, दूसरी प्लेट M, तो ये तीनों कैपेसिटर कैसे पैरेलल? शर्त पूरी हुई, समझ आया? देखो ये यहां बना हुआ है ना, अगर मैं चाहूं तो इसको यहां से मिटाकर यहां भी बना सकता हूं, सेम कंडक्टर है और बीच में कुछ नहीं है तो ऐसा बना दिया। अब देखो ये तीनों कैसे हैं पैरेलल? तीनों पैरेलल हैं, ऊपर एक कंडक्टर से जुड़े हैं, नीचे भी तीनों एक कंडक्टर से जुड़े हैं, तो ये तीनों पैरेलल हैं। ये कितना है? टू माइक्रोफेरेड और ये वाला भी कितना है? 2 माइक्रोफेरेड। ये ऐसे रिड्रॉ कर लिया और ये इसको हम चाहे तो यहां बनाए, ये यहां से ऐसा कंडक्टर गया है, यहां गैप लेने की बजाय हमने यहां गैप ले लिया, ये गैप ले लिया। अगर ये गैप लिया है ऐसा, ये तो ये चला गया और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोफेरेड। 3 माइक्रोफेरेड और ये भी कितना है? 3 माइक्रोफेरेड। अब देखिए और ये इधर, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल? ये तीनों कैसे हैं पैरेलल? ठीक है, अब अगला स्टेप, पैरेलल में ये ऐड हो जाएंगे और ये कितना बन जाएगा? 2 + 2 + 2, 6 माइक्रोफेरेड। पैरेलल का तरीका याद है, सी आपस में जुड़ जाता है, अगर तीन है तो तीन बार जुड़ जाएगा। ये किस दो पॉइंट के बीच ये जुड़ रहे हैं? M और Q। Q और P इसके बीच में कितना कितना है? 3 और 3, कितना हो जाएगा? 6। ये M, ये वाला पॉइंट Q और Q से ये नीचे वाला पॉइंट P, ये भी कितना? 6 माइक्रोफेरेड। अब P माइनस से जुड़ा है और M प्लस से जुड़ा है, M प्लस में आ गया और P माइनस में आ गया, प्लस माइनस इस तरह से दो बज गए। अब इन दोनों को एक बनाना है, तो प्लस से माइनस तक जाने के लिए ऐसा चलकर आते हैं, तो ये दोनों कैसे हैं पैरेलल की सीरीज? सीरीज, ये तो आप समझ में आता है, अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो 6 और 6 मिलाकर सीरीज में कितना हो जाएगा बताइए? हाँ, एक सेकंड नहीं लगना चाहिए, 6 और 6 मिलाकर 3, 2 से डिवाइड कर देंगे, सो नाउ दिस विल बी 20 वोल्ट और ये हो गया 6 और 6 सीरीज में 3। अब हमको सिंगल कैपेसिटर मिल गया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया? 3 माइक्रोफेरेड। पहला आंसर क्या निकालना? ये वाला या और ऊपर वाला? ये वाला,
ये M और P ये दो पॉइंट हैं, यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं तो पहले एक कैपेसिटर को पार करना है फिर दूसरे को पार करना है। तो ये वाली डेफिनेशन किसकी होती है? इसमें से ये कैसे आया? इसमें आप सिर्फ इसको देखिए, ये एक दो तीन, ये ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन, ये तीनों आपस में कैसे पैरेलल है? क्यों पैरेलल में? एक प्लेट सबकी एक तरफ और ऊपर वाली प्लेट सबकी एक तरफ, ये जुड़ी हुई है तो ये कैसा हो गया? पैरेलल। अगर पैरेलल में होते हैं तो C किसके बराबर होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ? 6। और 3 के बदले में कितने कैपेसिटर? 1। 3 के बदले में 1, 3 के बदले में 2 नहीं 1, तो ये 3 के बदले में एक कैपेसिटर हमने बना दिया, कितने का? 6। कहाँ बनाया? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि कहाँ बनाया। इसके एक तरफ कौन है? M, और एक तरफ कौन है? Q। M और Q के बीच में ही रहना चाहिए, तो M और Q के बीच में हमने रखा 6। ये समझ आ गया? अब नीचे वाला P और Q, Q से ये दोनों जुड़े हैं और P से ये दोनों प्लेट दूसरी तरफ के जुड़े, तो ये दोनों भी कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल है इसलिए 3 प्लस 3 6। ये आ गया, तो ये दोनों, अब ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं तो हमने 3 बना दिया। अब हमारे पास यहाँ क्या क्या चीज है? V है इसका, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है? V इज इक्वल टू 20, C इज इक्वल टू 3। तो तीसरी चीज क्या होती है? Q। तीसरी चीज हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो बताओ कितना हुआ? V इंटू C, दैट इज 60। फिर से यहाँ आ जाइए, इससे ऊपर चलते हैं। यहाँ हमने इस किसको तोड़ के ये एक लाया था, इन दोनों को, तो इस एक से ये दो में वापस आते हैं, सीरीज की पैरेलल सीरीज, ये दोनों सीरीज में थे तो ये बना ना, तो हम वापस गए सीरीज में, इसको ब्रेकअप किया। सीरीज में क्या चीज कॉमन लेना है? सीरीज में क्यू चार्ज बराबर लेना है। इसका चार्ज कितना है? 60, इसलिए सीरीज में हर एक का चार्ज कितना हो जाएगा? 60। तो ये हुआ C, Q इज इक्वल टू 60, Q इज इक्वल टू 60, और ये क्या है? C। तीसरी चीज क्या होती है? Q और C, V। V को क्या करना? कैलकुलेट। तो कितना होगा? Q अपॉन C इज इक्वल टू V। तो यहाँ V की वैल्यू 10 वोल्ट और यहाँ V की वैल्यू 10। इस तरह से QCV दोनों के पता लग गए। ओके, आगे बढ़ते, इस एक को तोड़कर ये 3 बने, क्या प्रोसेस से? पैरेलल की सीरीज, पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज कॉमन जाती है? हाँ, V। तो जो V इसका है वही V तीनों का है। इसका V कितना है? 10 वोल्ट। तो यहां हमने लिख दिया V इज इक्वल टू 10, V इज इक्वल टू 10, V इज इक्वल टू 10। C हमको सबका मालूम है। तीसरी चीज Q कैलकुलेट करो। Q इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करना? यस, करिए, बताइए कितना आया? ये नीचे वाले का बताओ, नीचे वाले का कितना आया? हाँ, दोनों का V हमने लेना है 10। तो Q हो गया 30 माइक्रोकूलम और इसका भी Q हो गया 30 माइक्रोकूलम। अब हमको हर एक का क्यू किसी पता लग गया। अब एक स्टेप आगे, इसको तो हमने नहीं तोड़ा था, ये दो है वैसे ही है, ये एक वैसा ही है, ये वाला एक ऊपर वाला वैसा ही है, ये जो एक है इसको हमने ये दो किया, ये वाले को ये दो, क्या सीरीज की पैरेलल?
बोल रहे हो क्या? एक बार सीरीज बोला फिर सर पैरल, फिर सीरीज, फिर पैरल। अभी किसका नंबर है? ओके, देखो ये एक है और ये दो, इन दोनों को सीरीज में जोड़ के हम इसको बनाए थे। तो ये क्या है? सीरीज। सीरीज में क्या कॉमन लेना है? चार्ज। तो इसका चार्ज कितना है? 20। तो इसका भी चार्ज कितना लेंगे? 20। इसका भी चार्ज कितना लेंगे? 20। अब क्यू और सी मालूम है, तीसरा कैसे निकालेंगे बोलो, कितना आएगा? बी कैसे निकालते हैं? यस, गुड। कितना आ गया? क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी, ठीक है। 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये वाला ये है ऑलरेडी, इसका हमको सब कुछ मालूम है। V इज इक्वल टू 10, Q इज इक्वल टू 20, इसका भी हमको सब मालूम है। ओके, ये कहां पर है? ये इसका V इज इक्वल टू 10, Q इज इक्वल टू 20 और C इज इक्वल टू 10। इसका 3 वोल्टेज V इज इक्वल टू 10 और Q इज इक्वल टू 30। ओके, इस तरह से हमने हर एक का Q C V निकाल लिया और हमको किस किस का चाहिए था। अच्छा, चार्ज स्टोर्ड ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये हमने कहां निकाला है बताइए? टोटल पे। टोटल कहां आया था? या ये यही चार्ज आगे जाके टूटते चला गया, सीरीज पैरेलल जैसा भी हुआ। तो इस पूरे सिस्टम ने कितना चार्ज स्टोर करके रखा है? 60 माइक्रो कूलम। ये हमारा इसका आंसर आया, 60 माइक्रो कूलम। इसका क्या आंसर आया था कैपेसिटेंस का? 3 माइक्रोफेरेट। तीसरा V अक्रॉस C1, C2, C3, ये रहा C1, ये हाँ ये C1 है। तो C1 के अक्रॉस V कितना आया? 10। V इज इक्वल टू 10, ये C दिया हुआ है और Q इज इक्वल टू सो मच। तो हमको V निकालना है, C1 के अक्रॉस V इज इक्वल टू 10, C2 के अक्रॉस V, C2 कहाँ है? ये C2, 10, और C3 के अक्रॉस V, C3 के अक्रॉस V, C3 कहाँ है? ऊपर, ये C3, ये, और इसका V कितना आया? 5 वोल्ट, सो दिस इज 5 वोल्ट, ये हमारे आंसर आए। ओके, सब नोट करिए।
ये तो आपको सब मालूम है, सबकी कैपेसिटी सी 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 हम मान लेते हैं सी इक्वल टू 10 तो ऐड करके चले जाते हैं, ये सी और सी 10 और 10 मिला के कितना हो जाएगा 5 10 10 10, ये दोनों मिलाकर हिसाब किया यहाँ पर, ये लास्ट वाला 10, ये 10 और 10 सीरीज में 5 5, और भी
कितना हुआ टू इज इक्वल टू सी इंटू बी दैट इज 100 उसका क्यूब 60 क्यू बी सी टू बी सी दोनों के हो गया दो अपने स्टेप में आते हैं इसके बाद चार के बाद यहाँ लौटते हैं तीन में तीन में इसका बाइफरकेशन हुआ ये एक कैपेसिटर का ये एक कैपेसिटर पे ये दो कैपेसिटर बने सीरीज के पैर सीरीज में क्या कॉमन होता है क्यू कॉमन होता है तो इसका क्यूब कितना है 60 तो दोनों को कितना मिलेगा 60 है 60 Q is equal to 60 Q is equal to 60 दोनों का भी निकाल देंगे Q upon C more 60 upon 10 6 more इसका 4 more और इसका 6 ऐसा आ गया और ये बात इसका क्यू सी बी वही रहेगा सी टेन बी टेन सी बी और क्यू 100 ओके ये ऐसा आ गया अब अगले स्टेप में जाना है अगले स्टेप में नो चेंज इसमें भी नो चेंज ये वैसा का वैसा ही है सिर्फ ये बातें जो दोनों हैं इससे बने कैसा डिवीजन है ये पैरेलल की सीरीज पैरेलल में क्या कॉमन वोल्टेज कॉमन इसलिए यहाँ पर दोनों का भी कितना लेना है बी फोर बी फोर और ये क्या है सी तो सी टू बी क्यू 40 और यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी हो गई कितना था 4 तो क्यू इज इक्वल टू 5 × 4 ये आ गया यू सी बी यू सी बी यू सी बी सब का अब जो आपको आंसर चाहिए उसका निकाल देते हैं सीवन एंड सी टू ये रहा सी टू ये रहा सी वन ये सी वन है सी वन और ये सी टू ये वाला सी टू ओ अभी और घर आता है अभी हम टू तक आए हैं वन पे आना है ये जो है इसके ये दो कैपेसिटर बने कैसे सीरीज की पैरेलल सीरीज ये सीरीज में है या है तो सीरीज में क्या चीज कॉमन होती है चार्ज इसका चार्ज कितना है 20 तो इसको भी कितना चार्ज मिलेगा 20 और इसको भी कितना चार्ज मिलेगा 20 ये इसका Q है, ये इसका C है, तो इसका B कितना हो जाएगा? 20 upon 10 is equal to 2. This is 20 microcoulomb and C is 10 microfarad. तो दोनों को डिवाइड किया, माइक्रो माइक्रो कैंसल, 20 upon 10 is equal to 2. वैसे ये भी आ जाएगा, 20 upon 10 is equal to 2. हमसे C2 का पूछा गया है ये C C2 का Q कितना है 20 C1 का Q कितना है ये C1 है ये C1 का Q कितना था 100 Q is equal to 100 B is equal to 10 C is equal to 10 इस तरह से ये सबका डिवीजन तो अब तक हम लोग 3-4 मिनट का ऐसे कर चुके हैं आई होप अब आप भी ऐसे बन जाएंगे इसके अलावा और भी दो तीन तरह के स्पेशल मिनट कर सकते हैं हम लोग एक क्लास और भी मिनट करेंगे उसमें डिफरेंट टाइप के मिनट कर सकते हैं जिसमें एनर्जी के भी मिनट होंगे और एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है जब भी हम करें किसी नहीं करते हैं तो सर उसके भी मिनट करेंगे तो दैट क्वांटिटी से यूनिट क्वांटिटी से यूनिट बनता है और जितनी तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं उससे उसका एक फॉर्मूला मिलता है ये आपके हैं एन की वाली पावर्स बना के ये फॉर्मूले बनाए अब हमारे पास हर डिराइव्ड क्वांटिटी का एक फॉर्मूला होता है
अगर हमको इतना नॉलेज हो गया कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उसकी पावर कितनी कितनी है, तो उसको हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं ये हम लोग आज की बड़ी समझ में आएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि इनके हमारे क्या यूज होते हैं। तो इसमें सबसे पहला यूज है कि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्शन जो करते हैं उसके लिए हमको इसकी जरूरत होती है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, ये इसकी एक यूटिलिटी होगी। यहां से आता है